दोस्तों भगत सिंह पार्क में सुबह का समय, बहुत मज़ा आ रहा है। आ जाओ, मास्क लगा दे। अरे विक्की भाई, कोई करोना नहीं है यार। भाई मास्क लगा दो भाई, प्रोटेक्शन रख लो। वैसे कोविड चल रहा है। और विक्की भाई, तुम रोज़ नहीं आते यार पार्क, है ना? क्या करें यार, काम बहुत है यार। मैं भी कोशिश करता हूँ कि रोज़ आ जाऊँ, पर ठंड इतनी है, नींद इतनी आती है। आज सुबह ये लगा लो, 6 का भी अलार्म सेट करा था, 7 का भी करा था। हाँ, तो उठा कितने बजे? 8:30 बजे। जो जो अपने एरिया के लोग हैं, सभी को भगत सिंह पार्क पता है, और भगत सिंह पार्क बहुत सारे कुकर्मों के लिए मशहूर है। है कि नहीं? हाँ, लड़कीबाजी करवा लो, शराब, सिगरेट, नशा, टिकटॉक बनवा लो। अच्छे लोग भी आते हैं वैसे, हमारे जैसे जो एक्सरसाइज करने आते हैं, शरीफ बच्चे भी आते हैं। ये जो पीछे आपको अंकल दिख रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, काफ़ी तरह के लोग आते हैं इस पार्क में। बहुत वैरायटी है। क्यों विक्की भाई? हाँ, ये देखिए, ब्लॉगिंग करना भी एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए। हाँ भाई, कॉन्फिडेंस जीवन में हर काम के लिए चाहिए साला, और कॉन्फिडेंस तो डेवलप करना ही है यार अंदर। दोस्तों, उन अंकल को देखो, अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी जीवन से, अभी तक लगे पड़े हैं कि मिल्खा सिंह को पछाड़ ही दूंगा। उन भाई को देखो, इतना मोटापा होने के बावजूद भी ठंड में आ रहे हैं। आके देखिए क्या लाजवाब एक्सरसाइज है, वाह वाह। अंकल को देखिए, पार्क में टिकटॉक चला रहे हैं। ये देखिए, देखिए, शायद आपको दिखानी होगा। ये वो जगह है जहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, और देखिए पेड़ वेड़ सब तहस नहस कर दिए। ये देखिए, ये है भगत सिंह पार्क की खासियत, डस्टबिन ज़ीरो। ये देखिए, वही जगह है जहाँ पे कौवे कबूतर दाना चुनते हैं। विक्की भाई, पर एक बात माननी पड़ेगी, इस पार्क में लॉकडाउन में आया था 2020 में, इतनी सफाई हो गई थी क्योंकि लोग वाग नहीं आ रहे थे। अब इस पार्क में फिर से गंदगी हो गई है। हाँ, इस पार्क में थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। ये देखिए, डिफॉरेस्टेशन। तो भाई यहाँ तो ये पूरा स्टील का बंद था, ये सब तोड़ ताड़ दिया सामने। क्या चीज़? ये यहाँ पे। हाँ यार, यही तो देखो, ये देखो यहाँ के पुरुषों में वो जान है जो दूसरे किसी पार्क के दूसरे किसी और पुरुष में नहीं है। ईट वीट सब तोड़ दी। थोड़ा पास आओ भी, क्या तुम मान नहीं रहे कैमरे? पास ही हूँ भाई, अब क्या यूँ हो जाऊँ बिल्कुल ऐसे करके। और बताओ कुछ इंटरेस्टिंग, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बोलो यार विक्की भाई, दर्शकों को मज़ा नहीं आएगा अगर खाली खाली चलेंगे तो। कुछ टॉपिक ढूंढो, कुछ टॉपिक ढूंढो यार, कहीं से यहाँ से पकड़ लो यार। इस पार्क में देखो कितना पानी भरा हुआ है। हाँ, पानी तो बहुत भरा है दोस्तों, देखना कितना पानी भरा हुआ है। दिखाओ तो सही दोस्तों को। दोस्तों रुक जाओ, अभी तुम्हें पानी दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इतना पानी भरा हुआ है, इससे पता लगता है जो पार्क की जो संरचना है वो ढंग से नहीं की गई है। जिसने भी इस पार्क का निर्माण किया है वो इस तरीके से कराया कि पानी भरी जाए। अब तो घास भी नहीं है कि पानी सोख ले। ये देखिए, यहाँ के लोगों में वो जान है जो कहीं और नहीं, तोड़ दिया पूरा यार। इस पार्क का देखना, ये ट्रंक कितना बड़ा है इस पार्क का, देखना ये जो ये पेड़ है काफ़ी बड़ा है, ट्रंक कितना बड़ा है इसका, ना देखो दोस्तों, इसका तना कितना बड़ा है। बहुत सारे लोग आ सकते हैं इसके पीछे।
भाई इस पार्क में लोग पिकनिक मनाने के लिए आते, तुम पता है? हाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं इस पार्क में लोग। अच्छा बढ़िया, अच्छी बात। हाँ ठीक है, संडे के दिन ये एक हब है चंद। हाँ संडे के दिन चादर लेके, समोसे लेके, पेप्सी कोला लेके, किटी पार्टी करने की जगह है। हाँ वाओ कितने सारे कबूतर हैं, वहाँ जाके दिखाइए ना, पास से दिखाता हूँ आपको दोस्तों। जबरदस्त नज़ारा, यहाँ पे कुछ बच्चे अपना टंग टंग के खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टंग टंग के, उस पर टंग जाते हैं पोल्स पे। वाओ कितने सारे कबूतर हैं यार, तो दाना डाल दे, दाना डाल दे। ये देखिए दोस्तों पिजन फैमिली। विक्की भाई जाओ तुम और इन्हें उड़ा के आ जाओ, जाओ बीच में जाओ। मसक कली उड़ मटक कली जाओ विक्की भाई जल्दी जाओ। देखिए विक्की भाई, आओ वाओ ये देख रहे हैं अंकल, देख रहे हैं ये विक्की भाई वहाँ गए थे, उन्होंने बड़ा चिल्लाया विक्की भाई पे, क्या कर रहे हो, मैंने दाना डाला बत्तंग। अब सुनो तुम और में ना रेस लाएंगे, वहाँ से आते हैं ठीक है, कौन इसके बाद पहले आ जाए ठीक है। चलो पहले से दोस्तों आप घर की तरफ जा रहे हैं, आज हवा भी बह रही है, कल तो हवा भी नहीं चल रही थी। अरे राइट में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे सारी अपनी है यार, ऐसा ऐसा घुमा लो ना। उधर को